जबलपुर में ढाबे के कर्मचारियों से मारपीट करने वाले आरोपियों को तिलवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत कुछ दिनों पूर्व तिलवारा थाना अंतर्गत इंडिया ढाबे में खाना खाने आए दो युवकों ने ढाबे के कर्मचारियों से पहले अभद्रता की, उसके बाद उन पर चाकू से हमला कर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने तिलवारा थाने में दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने तत्परता से जाँच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आरोपियों ने कर्मचारियों से मारपीट की थी, इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। रात में ढाबा हम लोग बंद कर दिए थे 12 बजे। हम अपने लिए खाना बना रहे थे, चार पांच लड़के आए खाना मांग रहे थे, हम लोगों ने मना कर दिए, तो उसके दौरान लूट मार एक तोड़ फोड़ करने लगे। मना करने के बाद हम लोगों के ऊपर चाकू चलाई उन लोगों ने और लूट मार करके फरार हो गए। ये तो नहीं पता कौन थे, पांच लड़के थे, पांच लड़के में से एक तो पुलिस वालों को दे दिए हैं थाने में ले जाके, यहाँ खाना ना मांगते रहे, नहीं दिए तो चाकू वाकू चलाए। अब पांच लोग थे, अब हम लोग अपने में लग गए, घाव वाव लग गए, उन लोग ने पैसे ऐसे दिए, 8-9 हज़ार रुपये थे गले में, ले के फरार हो गए। फिर भी एक को पकड़ लिए हैं, थाने में है एक। दिनांक 19/10/24 को रात्रि करीबन 1:30 बजे तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडियन ढाबा है, यहाँ पे काम करने वाले रामू केवट थाना उपस्थित आए थे, जिनको काफ़ी खून बह रहा था, जिन्हें तुरंत मुलायजा फॉर्म भर के मेडिकल अस्पताल रवाना किया गया था। फिर प्रार्थी का उपचार के बाद थाना उपस्थित आने पे उसकी रिपोर्ट पे आरोपी अमित और बम्बा ठाकुर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ये जो दो आरोपी हैं, ये ढाबे पे गए थे और कुछ शराब पीने के लिए इनसे पैसे मांगे, इसी पर से इनका विवाद हो गया था, तो इसी बात पर से इनसे चाकू पर हमला कर